साथियों, चैनल मातृणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं खट्टे खपाड़े। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। खपाड़े बनाने के लिए हमें चाहिए दही। यहाँ पर करीब 200 ग्राम के लगभग दही है और सिंघाड़े का आटा जो कि मैंने 3 टीस्पून के लगभग ले रखा है। और दूसरी सामग्री है फल्ली दाने, इन्हें हमें सेक करके रखना है। ये चाहिए हमें तेल तथा बघार की सामग्री में हमें मुख्य रूप से लगेगा राई, जीरा और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले मैं यहाँ फली दाने सेक लेती हूँ। डाल लिए हैं मैंने सारे दाने उनके ठंडा करके, और अब हम इसे खलबत्ते की सहायता से हल्का हल्का सा दरदरा मोटा मोटा पीस लेंगे। इसमें दाने की थोड़ी थोड़ी सी बीजी रहना चाहिए। ये मैंने खलबत्ते में इसे दरदरा सा एकदम हल्का सा कूटना है। आप आधी आधी बीजी भी रख सकते हैं। में तेल डालकर गर्म कर लेंगे। हमें करीब 2 से 4 टीस्पून तेल चाहिए यहाँ पर। और अब मैं इसमें हींग डालने वाली हूँ। यदि आप ये डिश उपवास के लिए बनाने वाले हैं तो इसमें हींग और राई को आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने इसमें एक चुटकी भर राई डाल दी है। राई के अच्छे से तड़कने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे करीब। अरे यार बेटा, जीरा फूलने के बाद हमने जो दाने सेक करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे चलाते हैं, थोड़ा सा भूनेंगे। करीब 5 से 7 सेकंड के बाद हम इसमें सिंघाड़ी का आटा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। सिंघाड़ी का आटा लगभग भून चुका है। ये कढ़ाई में देखिए तेल छूटने लगा है। हमें इसे भूनते वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम पर रखना है, एकदम मधा करके रखना है, नहीं तो जल जाएगा, बहुत जल्दी जल जाएगा ये आटा। और ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। तो आप इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और ये जो हमने मसाला बनाया है और उस आटे को सेका है इसे हम दही के साथ मिक्स कर देंगे। और मैंने यहाँ पर दही ले लिया है और जो अभी हमने मसाला तैयार किया था उसे भी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। यदि आप स्टील की कढ़ाई में बघार कर रहे हैं तो इसे डायरेक्ट उसमें ही दही डाल करके भी मिक्स कर सकते हैं, जो कि मेरी कढ़ाई में लोहे की थी इसलिए मैंने इसे अलग से मिक्स किया है। अब इसे वापस खपाड़े के जो हमने पहले में रेसिपी डाल रखी है मीठे खपाड़े की, उसी तरह से लगभग गाढ़ा कर लेंगे। यदि आप मीठे खपाड़े की विधि जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने पहले से जो एक प्लेट ग्रीस करके रख रखी है उसमें मैं इसे डाल करके जमा लेने वाली हूँ। प्लेट में निकाल करके फैला दिया है और इसका हरी धनिया के पत्ते डाल करके रख दिए हैं। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ समय के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी छोटी छोटी सी बर्फी काट लेंगे और ये बहुत अच्छे से निकल आएगी। इसे ठंडा ज़रूर करना है, ठंडा करके ही इसकी अच्छे से कटिंग करके बर्फी निकलेगी। लेकिन इसे फ्रिज में नहीं रखना है। हमने मीठे खपाड़े फ्रिज में रखे थे क्योंकि मीठी चीज़ ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि चल गया है तो इसे हमें इसे ज़्यादा चिल्ड नहीं करना है। के बाद हम चाकू के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसके बर्फी जैसे पीसेस कट कर लेंगे।
है, चिपक जाए, चिपिए से अगर चाकू के ऊपर आ जाए तो इसे हटा देना है, चाकू को फिर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। ये बिल्कुल पटोलिए जैसी ही चीज़ है। यदि आप मैंने इसके पहले पटोली की भी एक रेसिपी बना करके अपलोड की है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे से निकल करके आ गई है और खाने में देखने में जितनी अच्छी दिख रही है खाने में उतनी स्वादिष्ट है। तो साथ ही यदि आपको मेरी ये डिश पसंद आई तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। सेटिंग करते हैं और ये मेरे कैमरा में से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये उसने पीस उठा करके बिल्कुल मुंह में डाल लिया है। वाकई में जो चटपटी चीज़ें होती है उन्हें देख करके हमारे मुंह में पानी तो आता ही है। खट्टे कबाड़े बनकर के तैयार है। साथ ही यदि आपको मेरी ये डिश पसंद आई है तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।